सैयद। पाकिस्तान की जेल में बंद भारतीय कैदी कुलभूषण जाधव मामले में अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट में सुनवाई होनी है और भारत और पाकिस्तान दोनों ही पक्ष इस मामले में पहले ही अपने अपने सबूत अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के सामने रख चुके हैं। अब ये देखना होगा कि सुनवाई में अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय क्या निर्णय प्रक्रिया शुरू करेगा या फिर दोनों पक्षों से और सबूत मांगे जाएंगे। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट से ये कहा है कि अनुसूचित जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम 1989 में को पर उसके हालिया आदेश से देश को भारी नुकसान हुआ है। फैसले से देश में आक्रोश बेचैनी का भाव पनपा है और सामाजिक समरसता को भी गहरी चोट पहुंची है। सरकार ने 20 मार्च के आदेश को वापस लेने की गुहार लगाई है। अटॉर्नी जनरल के वेणुगोपाल ने सुप्रीम कोर्ट को दी लिखित दलील में यह दावा किया है कि फैसले ने SC ST एक्ट को कमजोर किया है और साथ ये भी कहा गया कि 20 मार्च का वो आदेश वापस लिया जाए जिसमें FIR दर्ज करने से पहले शुरुआती जांच और आरोपी को गिरफ्तारी से संरक्षण दिया गया था। 20 मार्च को अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति अधिनियम 1989 के दुरुपयोग के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट ने अधिनियम के तहत मिलने वाली शिकायत पर स्वतः FIR और गिरफ्तारी पर रोक लगा दी थी और साथ ही अग्रिम जमानत के प्रावधान को भी जोड़ दिया था। दो लोकसभा चुनाव के लिए कांग्रेस के तैयार होने के साथ ही ग्रैंड ओल्ड पार्टी में सबसे ज्यादा यात्रा मॉडल को लेकर चर्चा हो रही है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की पहले गुजरात में नवसर्जन यात्रा और अब कर्नाटक में जन आशीर्वाद यात्रा को लेकर पार्टी में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। पार्टी कार्यकर्ताओं का यह मानना है कि इन दोनों यात्राओं ने अपने नामों के मुताबिक ही कांग्रेस में नया जोश लाने का काम किया है और इसीलिए पार्टी को आशीर्वाद दिया है और यही वजह है कि पार्टी 2019 लोकसभा चुनाव के लिए बड़े पैमाने पर इसी यात्रा मॉडल को अपनाने जा रही है। सूत्रों की माने तो पार्टी अध्यक्ष राहुल गांधी ने इसके लिए हरी झंडी भी दे दी है। राहुल गांधी कांग्रेस की संस्कृति में बदलाव लाना चाहते थे और उनकी सोच से यात्रा मॉडल का विचार पहली बार सामने आया है। इस मॉडल से न सिर्फ पार्टी को लोगों से संपर्क का जरिया मिला है बल्कि इसने नेताओं और कार्यकर्ताओं के बीच में जो अवरोध हैं उसको भी कुछ हद तक हटाने का काम किया है। इंडियन एयरफोर्स को आसमान का महाशक्तिशाली योद्धा मिलने वाला है। दुनिया के प्रमुख सैन्य विमान बनाने वाली कंपनी बोइंग भारतीय कंपनियों के साथ मिलकर देश में ही फाइटर प्लेन बनाएगी और बोइंग इंडिया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड और महिंद्रा डिफेंस सिस्टम्स ने गुरुवार को एक महत्वपूर्ण समझौता किया है। समझौते के तहत देश में ही करीबन 2000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार वाले F-18 सुपर हॉर्नेट और फाइटर प्लेन बनाए जाएंगे और रक्षा मंत्रालय के द्वारा इंडियन एयरफोर्स को और ताकतवर बनाने के साथ ही ये मेक इन इंडिया अभियान को आगे बढ़ाने के लिहाज से भी बड़ा कदम है। उन्नाव रेप में आखिरकार आरोपी बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर को सीबीआई ने हिरासत में ले लिया है। सीबीआई ने शुक्रवार सुबह आरोपी विधायक को लखनऊ स्थित उनके आवास से हिरासत में लिया है और जानकारी के मुताबिक विधायक को सीबीआई ने सुबह करीबन 4:30 बजे हिरासत में लिया जिसके बाद से ही लखनऊ के सीबीआई के दफ्तर में कुलदीप सेंगर से पूछताछ जारी है। और वहीं सीबीआई आज ही कुलदीप सेंगर को कोर्ट में पेश कर सकती है। सीबीआई की तरफ से इस मामले में अभी तक 3 केस दर्ज किए गए हैं।
कुलदीप सेंगर पर नाबालिग से रेप, पीड़िता के पिता की हत्या का केस और तीसरा केस विधायक सेंगर के परिवार की तरफ से जो भी शिकायत दी गई है। सीबीआई की टीम ने इस मामले को अपने हाथ में लेते हुए एक्शन करना भी शुरू कर दिया है। सीबीआई की टीम शुक्रवार सुबह पीड़िता के परिवार से मिलने भी पहुंची थी। सीबीआई की टीम उन्नाव के एक होटल में परिवार से मुलाकात कर रही थी और बताया यह भी जा रहा है कि सीबीआई के करीबन 7 अफसर परिवार से मिलने पहुंचे हैं। पंजाब के कैप्टन अमरिंदर सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में अपने ही कैबिनेट मंत्री नवजोत सिंह सिद्धू के खिलाफ रोड रेज और गैर इरादतन हत्या के मामले में हाईकोर्ट के 3 साल की सजा बरकरार रखने का समर्थन किया है। सरकार के वकील सरनाम सिंह ने गुरुवार को सुप्रीम कोर्ट में ये कहा भी है कि इस मामले में शामिल होने से इनकार करने वाला सिद्धू का बयान गलत है और मामले में एक चश्मदीद है जिस पर भरोसा किया जाना चाहिए। बता दें कि 1988 में पटियाला में रोडरेज के दौरान सिद्धू से झगड़े के बाद गुरनाम सिंह की मौत के मामले में 2006 में हाईकोर्ट से सिद्धू और एक अन्य आरोपी रुपिंदर को 3 साल की सजा मिली थी और सिद्धू ने सुप्रीम कोर्ट में ये अपील की थी। शीर्ष कोर्ट ने 2007 में दोनों को दोषी ठहराने के फैसले पर जो है रोक लगा दी थी, जिससे कि सिद्धू अमृतसर से चुनाव लड़ सके थे। और हालांकि इससे पहले 1999 में ट्रायल कोर्ट से सिद्धू सहित दोनों आरोपी बरी हो चुके थे। दीपेंद्र हुड्डा ने पंचकुला के रायपुरानी में एक विशाल जनसभा को संबोधित किया है और वहीं इस सभा के दौरान दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर तंज कसते हुए ये कहा कि फौजियों की वन रैंक वन पेंशन तो बीजेपी से शुरू की नहीं गई है। दीपेंद्र हुड्डा ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए ये भी कहा कि आरएसएस पेंशन का ऐलान जरूर कर दिया है लेकिन ये बिल्कुल गलत है और ये भी कहा कि बीजेपी तो पहले ही ये कह चुकी है कि सेना से ज्यादा आरएसएस है। सेना पाकिस्तान से जंग के लिए एक सप्ताह में तैयारी करेगी और आरएसएस एक दिन के अंदर तैयार रहती है। युद्ध के लिए बीजेपी का दृष्टिकोण साफ है। कांग्रेस सांसद ने यह भी कहा कि मैं 3 दिन पहले राजघाट पर गया था, पैरामिलिट्री फोर्सेस वाले वन रैंक वन पेंशन के लिए धरने पर बैठे थे और ये भी कहा कि पैरामिलिट्री फोर्सेस बीएसएफ आईटीबीपी सीआईएसएफ के धरने पर बीजेपी का कोई भी नेता या मंत्री सुध लेने तक नहीं पहुंचा था। पंचकुला में कांग्रेस ने रोजगार बचाओ हरियाणा बचाओ को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन किया था। प्रेस कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने की थी और इस मौके पर उन्होंने ये बताया कि कांग्रेस के 3 संगठन हरियाणा कृषक समाज, हरियाणा महिला कांग्रेस और हरियाणा किसान मजदूर संगठन 18 अप्रैल को पंचकुला में रोजगार बचाओ हरियाणा बचाओ नाम से धरना देगी। हरियाणा महिला कांग्रेस की अध्यक्ष सुमित्रा चौहान ने यह भी बताया कि धरने की अगुवाई कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि मौके पर बीजेपी सरकार पर निशाना साधते हुए नौकरियों में धांधली का आरोप लगाया और भ्रष्टाचारी सरकार बताया। चंडीगढ़ में स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव अमित झा की अध्यक्षता में राष्ट्रीय तंबाकू नियंत्रण को लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। बैठक के दौरान यह भी निर्णय लिया गया है कि सार्वजनिक स्थानों के साथ साथ हरियाणा रोडवेज की बसों में तंबाकू सेवन, सिगरेट और बीड़ी के सेवन को रोकने के लिए संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे। बैठक में यह भी बताया गया कि सरकार के सभी विभाग अपने अपने विभागों में सिगरेट और अन्य तंबाकू उत्पाद अधिनियम 2003 के प्रावधानों को लागू करने के लिए मॉडल अधिकारी को नियुक्त करेंगे और इसके साथ साथ तंबाकू और धूम्रपान को रोकने के लिए भी अपने अपने कार्यालयों में संकेतक बोर्ड लगाए जाएंगे और इस बारे में विभाग के कर्मचारियों को जागरूक भी किया जाएगा। उन्हारा में पुलिस व्यवस्था को जानने और अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर पुलिस कप्तान
नाजनीन असीन ने थाने का निरीक्षण किया है और इस दौरान पुलिस कप्तान ने पुलिस कर्मचारियों के साथ बैठक कर अपराध पर चर्चा करने के साथ ही उन्हें जरूरी दिशा निर्देश भी जारी किए। इसके बाद कप्तान ने शहर के गणमान्य लोगों के साथ एक बैठक की और उनकी समस्याओं को भी जानने की कोशिश की है। मौके पर ही थाना प्रभारी को समाधान करने के भी आदेश दिए गए। पुलिस कप्तान का यह कहना है कि नूह पुलिस अपराध और अपराधियों को लेकर पूरी तरह से गंभीर है। जिले से अपराध को खत्म करना ही उनका मुख्य लक्ष्य है। कप्तान ने यह भी कहा कि महिला और कन्याओं की सुरक्षा को लेकर पुलिस जल्द ही जगह जगह पर जागरूक कैंप लगाने वाली है और इस दौरान महिलाओं को यह भी बताया जाएगा कि अगर उन पर कोई बुरी नजर रखता है तो किसी तरह पुलिस को सूचना जरूर दे ताकि समय रहते महिलाओं को सुरक्षा देने के साथ ही ऐसे लोगों पर कार्रवाई भी की जाए। कैसल के गोला चेका में तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है, जहां एक तेज रफ्तार ट्रक ने मोटरसाइकिल सवार को कुचल दिया जिसकी मौके पर ही मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त गोला चेका के वार्ड नंबर 16 के निवासी लवली सिंह के रूप में हुई है और घटना की सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और शव को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल पुलिस ने भिजवाया। पुलिस ने मामला दर्ज कर फिलहाल जाँच शुरू कर दी है। हिसार के रावत खेड़ा गांव की किरण गोदारा ने राष्ट्रमंडल खेलों में कांस्य पदक हासिल किया है। इस जीत के बाद परिजनों में खुशी का माहौल है। बताया ये भी जा रहा है कि किरण गोदारा ने 2009 में कुश्ती खेलना शुरू किया था। साल 2011 में ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी चैंपियनशिप में ब्रॉन्ज मेडल उन्होंने जीता था और बताया ये भी जा रहा है कि किरण अब तक 6 गोल्ड मेडल और 1 सिल्वर मेडल के साथ साथ 7 ब्रॉन्ज मेडल भी अपने नाम कर चुकी है और इसी उपलब्धि पर किरण को भारतीय रेलवे में टीसी का पद भी सौंपा गया है। हिमाचल के सीएम आज पोंटा प्रवास पर होंगे और जहां सबसे पहले वे बाता नदी पर बने किशनपुरा संतोषगढ़ सड़क पर बने 19 करोड़ की लागत से बने पुल का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद भारतीय प्रबंधन संस्थान पोंटा में दीक्षांत समारोह में बच्चों को उपाधियां बांटेंगे। तत्पश्चात गोंदपुर में 3,19,00,000 से बने प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कार्यालय के भवन और प्रयोगशाला कारोबार लोकार्पण करेंगे। बाद में पोंटा साहिब 5 करोड़ से बनने वाले के बस अड्डे भवन की आधारशिला भी रखी जाएगी। सीएम ने सरकार के 100 दिन के कार्यकाल का ब्यौरा भी दिया है। सीएम ने कहा है कि इस बजट सत्र में सरकार ने जितनी परियोजना जो है घोषित की है उतनी परियोजनाओं की घोषणाएं आज तक किसी सरकार के बजट सत्र में नहीं की गई है। नूरपुर में हुए स्कूल बस हादसे को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह नूरपुर पहुंचे हैं, जहां उन्होंने मृतकों के परिजनों से मुलाकात की और उनको सांत्वना दी। पूर्व सीएम ने इस घटना को दुखद बताया और कहा कि वे सरकार से सड़कों की दशा सुधारने के लिए जरूर अपील करने वाले हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि सरकार ब्लैक स्पॉट देखकर प्राथमिकता से इन्हें दूर करवाए और ब्लैक स्पॉट वाले जो स्थान है वहां पर क्रैश बैरियर लगाने की पूर्व सीएम ने मांग भी की है और वहीं इसके साथ ही वीरभद्र सिंह ने शिक्षा विभाग से भी स्कूलों की गाड़ियों को जो उनकी कंडीशन है वो देखने की मांग की है। हिमाचल प्रदेश बीजेपी सरकार के 100 दिन पूरे होने पर कांग्रेस की ओर से टीका टिप्पणियों का दौर लगातार जारी है। हमीरपुर जिले के बड़सर से कांग्रेस विधायक और पूर्व सीपीएस इंद्रदत्त लखनपाल ने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला। लखनपाल ने आरोप लगाया है कि बीजेपी सरकार में अधिकारियों के प्रति गंदी सोच पैदा की है और इससे अफसरशाही काफी परेशान है। उन्होंने ये भी कहा कि सीएम कभी धूमल तो कभी नड्डा के दबाव में काम करते हैं जिससे प्रदेश की जनता त्रस्त है। कुल्लू बीजेपी ने ढालपुर में कांग्रेस के विरोध में धरना प्रदर्शन किया है। भारी बारिश के बीच बीजेपी के कार्यकर्ता डटे रहे और कांग्रेस के द्वारा बार बार संसद की कार्यवाही को बाधित करने को लेकर बीजेपी कार्यकर्ताओं ने रोष जताया।
और इस प्रदर्शन को संबोधित करते हुए जिला कुल्लू बीजेपी के प्रभारी और बीजेपी प्रदेश प्रवक्ता अजय दारा ने ये कहा है कि पूरी दुनिया अब भारत को मानने लगी है और ये सब नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने के बाद हुआ। उन्होंने कहा कि ये बात कांग्रेस के नेताओं को हजम नहीं हो पा रही है। अजय राणा ने यह भी कहा है कि जब जनता ने सांसदों को देश के विकास के लिए भेजा है तो उन्हें संसद में देश के विकास पर ही चर्चा करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि संसद की कार्यवाही बाधित होने से देश हित में कई फैसलों को लागू करने में दिक्कतें पेश आई थी और अजय ने यह भी कहा कि बीजेपी कार्यकर्ता आगे भी देश हित के विरोध में फैसले लेने वाली कांग्रेस पार्टी का बहिष्कार करते रहेंगे। पांवटा साहिब में सीएम के दौरे के कारण सभी प्राइवेट बस रैली में चली गई, जिसके चलते यहां से रोज आने जाने वाले यात्रियों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है और वहीं रोजाना की तरह आज सभी यात्री बसों का इंतजार करते रहे, लेकिन बसों के सीएम कार्यक्रम में व्यस्त होने के चलते यात्रियों को बसों की कमी के चलते ही परेशानियों से जूझना पड़ा। बसों का इंतजार कर रहे लोगों का यह कहना भी था कि वे लंबे समय से बसों का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन उन्हें बसें यहां पर नहीं मिल पा रही हैं, जिसके चलते उन्हें पैदल यात्रा करनी पड़ रही है या फिर वो किसी से लिफ्ट लेकर अपने गंतव्य की ओर जा रहे हैं। सलूनी में सड़कों की खस्ता हालत देखकर यहां पर पर्यटक भी चूहे खासे नाराज दिखे हैं, क्योंकि चंबा का एक ही बोटिंग प्वाइंट है और उसके पास भी सड़कों पर गड्ढे बने हुए हैं, लेकिन प्रशासन इस ओर कोई ध्यान नहीं दे रहा है। स्थानीय निवासियों का कहना भी है, कई बार इसकी वो शिकायत कर चुके हैं, पर्यटक भी जो है यहाँ पर घूमने आते हैं उन्हें भी बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कोई भी सुध अभी तक नहीं ली गई है। यहाँ के स्थानीय निवासियों ने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द सड़क को ठीक किया जाए ताकि किसी को कोई परेशानी ना हो। और वहीं एसडीओ का ये कहना था कि 1 किलोमीटर के एरिया में जितने भी गड्ढे हैं उन्हें जल्द से जल्द भरवाने का काम किया जाएगा। मुजफ्फरनगर में बीजेपी के खिलाफ संतों ने धरना दिया है। संतों ने यह धरना राम राज्य लाने की मांग को लेकर दिया है और वहीं इस दौरान दंडी स्वामी श्री कृष्ण आश्रम जी महाराज शुक्रताल गंगा में जल समाधि लेने जा रहे थे तो उन्हें गुरु के आश्वासन के बाद जल समाधि लेने का निर्णय वापस लेना पड़ा। गुरु सत्यदेव जी महाराज के आदेश के बाद अनशन धरना, मौन व्रत और जल समाधि का निर्णय वापस लिया गया। गाजियाबाद के इंदिरापुरम थाना क्षेत्र में हिंडन नदी के पास चलती कार में अचानक से आग लग गई और आग लगने के बाद कार चालक ने कार से कूदकर अपनी किसी तरह से जान बचाई। आग इतनी भयंकर थी कि उसने थोड़ी ही देर में कार को अपनी चपेट में ले लिया और इस हादसे में किसी के हताहत होने के फिलहाल खबर नहीं है। आग लगने के चलते जो है अभी तक जो कारण है वो सामने नहीं आ पाया है। यूपी के शाहजहांपुर में परिजनों से मोबाइल चार्जर को लेकर हुए विवाद में एक 17 वर्षीय युवक ने खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली है। मामला रामचंद्र मिशन थाना क्षेत्र का है। जानकारी के मुताबिक युवक का परिजनों से मोबाइल चार्जर को लेकर विवाद हुआ था और इतने में युवक अपने कमरे में गया और उसने अंदर से दरवाजा बंद कर लिया था। उस दौरान परिजनों ने दरवाजा खुलवाने की बहुत कोशिश की, लेकिन युवक ने दरवाजा नहीं खोला और अंदर से फायर की आवाज आई। परिजनों ने जब किसी तरह से दरवाजा खोला तो देखा कि युवक जमीन पर लेटा तड़प रहा था। गोली उसके सिर पर लगी थी और उसके बाद युवक को प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया, जहां से उसे जिला अस्पताल के लिए रेफर किया गया, लेकिन युवक ने रास्ते में ही दम तोड़ दिया। फिलहाल पुलिस ने इस युवक को पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया है उसका शव और मामले की जांच शुरू कर दी है।
यूपी में बदमाशों का खौफ बढ़ता ही जा रहा है। कानपुर के देहात में फौजी के घर लूट का मामला सामने आया है, जहां एक फौजी के घर में रात को अज्ञात बदमाशों ने घर में धावा बोल दिया और परिवार को बंधक बनाकर लूट की वारदात को अंजाम दिया। डकैत लाखों रुपए के जेवर और नकदी लेकर फरार हो गए। डकैतों ने घर में मौजूद मां बेटी और एक पड़ोसी को भी पीटकर घायल किया, जिन्हें पड़ोसी ने गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती करवाया। और वहीं इस मामले में पुलिस अधीक्षक ने जल्द घटना का खुलासा करने की बात कही है। सनराइजर हैदराबाद ने गुरुवार को रोमांचक मैच में मुंबई इंडियंस को एक विकेट से मात देकर आईपीएल सीजन 11 में लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। और वहीं मुंबई इंडियंस को इस टूर्नामेंट में लगातार दूसरी हार का सामना करना पड़ा है। इस मैच में टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुंबई इंडियंस ने 20 ओवर में 8 विकेट गंवाकर 147 रन बनाए और सनराइजर हैदराबाद को जीत के लिए 148 रनों का टारगेट दिया गया। जवाब में हैदराबाद की टीम ने 19.5 ओवर में लक्ष्य हासिल कर लिया और लगातार दूसरी जीत दर्ज की है। कॉमनवेल्थ गेम्स में गुरुवार को रेसलर सुशील कुमार ने 74 किलोग्राम फ्री स्टाइल और राहुल आवारे ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कैटेगरी में गोल्ड, जबकि बबीता फोगाट ने 53 किलोग्राम फ्री स्टाइल में सिल्वर जीता है। सुशील कुमार ने महज 1:20 में ही फाइनल मुकाबला जीत लिया। सुशील ने दक्षिण अफ्रीका के जोहानस बोथा के खिलाफ 80 में 10 अंक हासिल कर लिए। इसके बाद टेक्निकली सुपरविजनली ग्राउंड पर उन्हें विजेता घोषित कर दिया गया और भारत इस कॉमनवेल्थ गेम्स में अब तक 31 मेडल हासिल कर चुका है, जिसमें कुल मिलाकर अभी तक की बात करें तो 16 गोल्ड, 7 सिल्वर मेडल हैं, 10 ब्रॉन्ज हैं। मेडल टैली में भारत तीसरे स्थान पर बना हुआ है।